मोहम्मद अकबाल एंसंस पतंग की दुकान है डबिलपुरा माता खिड़की में। तागे का मांझा और बरेली मांझा बिकता पूरा यहाँ पर। टंगूस मांझा होने की वजह से हमारे काम का हाथ का मांझा बहुत ज़्यादा बिक रहा। आधे की पौन की पतंग रहती। 15 किस्म के वैरायटी है मांझे में, मोतिया गंधक पीला गाजरी अंगूरी फेरोजा। छोटू भाई की दुकान से मशहूर है ये दुकान डबिलपुरा नाले पे। ये 60 साल से कारोबार कर रहे हमारे दादा करे थे, दादा के बाद वाली साहब करे, वाली साहब के बाद हम कर रहे हैं। अलहमदुल्ला अच्छा चाइना मांझा बनने की वजह से अच्छा चल रहा कारोबार। नहीं तो चाइना मांझा एक बार ले गया तो दोबारा बच्चा आ रहा नहीं था, यही मांझे से शाम तक उड़ा रहा था। ये टंगा तागे का मांझे की वजह से बार बार आ रहे, समझो पेच अच्छी लड़ती तागे के मांझे से। तो इस साल जो है रेटों में कुछ फर्क, रेटों में थोड़ा मांझे में है समझो 30 रुपये 40 रुपये गिटी 50 रुपये गिटी है। टंगूस मांझा 120 रुपये 150 रुपये गिटी बिक रहा था, ये मांझा में थोड़ा और अच्छा है समझो। ये तागे का मांझा जल्दी टूट गया था, वो हिसाब से अच्छा चल रहा मांझा, पेच लेने में भी अच्छा आता है। और टंगूस मांझा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी मत करिए सब जने, टंगूस मांझा बेचे हुए मत या यूज़ भी मत करिए। तो अभी इस साल जो है सबसे फेमस मांझा और सबसे फेमस पतंग कौन सी रही? अब ये 2 पौंड की पतंग है, पेपर की 2 पौंड की पतंग चल रही है। और ये मोतिया गंधक पीला चल रहा मांझा, फेमस बोले तो मोतिया गंधक पीला। अच्छा, 60 रुपये गिटी 40 रुपये गिटी है वो। तो बच्चों में आपके कैसा रहा ये? बच्चा अच्छा था कारोबार समझो, अलहमदुल्ला स्कूल को छुट्टियाँ मिलने के वजह से भी कारोबार अच्छा रहा। माल भी नहीं है, माल का शॉर्टेज हो गया पूरा।